السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. viewers, family and friends, welcome to Masuda Khan's kitchen. Today I am making quinoa and bean soup. This is quinoa and already cooked. This is 2 cup of quinoa boiled and red beans boiled. And I have broccoli. This is already steamed. And I'm going to use spinach here, and kale pepper, 1/2 teaspoon, and I have 1 teaspoon salt, but depends on how much I'm going to use, because I'm using soya sauce. Later I'll show you. And I have 1 tablespoon ginger crushed. I have 1/2 teaspoon, 1/4 teaspoon, not 1/2 teaspoon. You can see that this is a 1/2 teaspoon, so I have less, 1/4 teaspoon black pepper. And I have 1 tablespoon sweet chili sauce, and I have 1 tablespoon apple cider vinegar, and I have 1 1/2 tablespoon salt. Not salt, sorry, soy sauce. And spinach I have 3 cups cut. And I will show you is the quinoa. This is a grain and everybody knows that. And kidney beans, this looks like this. So you have to soak in water first, and then you can boil it and put the water. And when I will be boiling, you can boil in pressure cooker, you can boil in pan or pot, anything you can use for that. And then also I am using here, I have green onion. You can see that I have green onion, one. I have red tomato, I have green tomato, half red tomato, green, I have one, and I have garlic 1 stick, and I have 1/2 zucchini. These are my ingredients for today. And I will show you how to cook. नाजरीन, आप लोगों का मसूदा खान के किचन में इस्तकबाल है. आज मैं केनुआ का सूप बनाने जा रही हूँ, और बीन्स का, जो कि केनुआ जो है वो काइंड ऑफ बाजरा है. और मैं आपको दिखाती हूँ, सबको पता होगा ये. देखिए, ये केनुआ है, एक तरह ग्रेन होता है. एंड ये जो है किडनी बीन्स छोटी वाली है, ये दाल काइंड ऑफ एक बीन्स है. ये हर जगह मिल जाती है, एवरी कंट्री में मिलती है. और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुक्ड हो गया है इसका, एकदम पक गया है. देखें, पूरा तैयार है ये. एंड मैं ये मेरा वही किडनी बीन्स है और ब्रोकली है. तो 2 कप मैंने किडनी बीन्स, 2 कप केनुआ बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किया है. और ये ब्रोकली है, आप कोई भी सब्जी डाल सकती हैं. अब मैंने बाद में यहाँ पे पालक का साग लिया है, 3 कप पालक का साग है, और 1/2 टीस्पून, देखिए 1 टीस्पून है लेकिन 1/2 मैंने डाला है, 1/2 से भी कम है. ये मैं एक तरह की मिर्ची होती है, इसको केन पेपर बोलते हैं, लेकिन तीखी नहीं होती है. सॉल्ट है, सॉल्ट आपके अपने मुताबिक डालिएगा, क्योंकि मैं सोया सॉस भी डालूंगी, तो सॉस जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कीजिएगा. और इसमें गार्लिक पेपर है, गार्लिक पेपर नहीं, जिंजर है, सॉरी, जिंजर, कट जिंजर है, मतलब कि अदरक बोलते हैं इसको, अदरक है ये. और हर काली मिर्ची है, ये 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून है. और ये है चिली पेपर, स्वीट चिली पेपर सॉस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है. मैंने यहाँ पे आप विनीगर हुआ, जैसा कि सिरका बोलते हैं जिसको, तो एप्पल का विनीगर, सेब का सिरका है ये, 1 टेबल स्पून. और यहाँ पे 1 1/2 टेबल स्पून, मतलब 1.5 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है. और उसके बाद मैंने आपको दिखाना है, यहाँ पे मैंने यहाँ ये जो है हमारी गार्लिक ग्रीन ऑनियन है, यहाँ पे ये देखिए जुकनी है, टमाटर है 1/2 जुकनी, 1 स्टिक ऑनियन का, मतलब कि प्याज का, हरी प्याज है, लाल टमाटर आधा, ग्रीन टमाटर 1, और 1 स्टिक जो है गार्लिक का, मतलब कि लहसुन का है. ये मेरी सारी आज की इंग्रेडिएंट्स है. चलिए मैं सूप बनाती हूँ. सर्दी का मौसम है और मज़ेदार होता है ये बहुत सूप, हेल्दी भी है, तो मैं इसका बेनिफिट भी मैं बताऊँगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं जिंजर डालूंगी, और ऑयल नहीं डाल रही हूँ. अगर आपके आपके ऊपर है, अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है, ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है.
इसलिए मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ। हेल्दी खाना जो है आसानी से जब बन जाता है तो इस्तेमाल क्यों करें। अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स है, तो मैं एंड में अगर थोड़ा मैं डाल दूंगी, मैं अगर जिसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए तो नहीं डालूंगी। ये मतलब फैमिली के ऊपर है, जिनको किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। तो ये मैंने सबसे पहले अदरक डाला है, देन आपको कच्ची सब्जी डालूंगी मैं यहाँ पे, ये सारी टमाटर एंड सब धीरे धीरे मैं आपको इसमें डालती जाऊंगी, देख सकते हैं आप। यू ऑल कैन सी आई फर्स्ट आई पुट इट इन इन माय पॉट, फर्स्ट जिंजर, देन आई लेट इट कुक लिटिल बिट फॉर वाइल एंड देन आई एम कुकिंग यू नो रॉ वेजिटेबल्स हियर and my high flame is full high and you can see my I'm putting my spices, cayenne pepper and black pepper and vinegar and I'm going to put little bit sauce, not salt। नाजरीन आप देख रहे हैं मैंने इसमें स्पाइसेस डाली हैं, मैं काली मिर्ची, लाल मिर्ची जो हुई, केन जो हुआ, और आपके ऊपर है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं बिल्कुल खाएं, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन मैंने ग्रीन पेपर जो प्याज होती है हरी वाली वो डाली हूँ, अब बहुत ही मज़ेदार होती है। अब मैं ब्रोकली डालूंगी क्योंकि स्टीम ब्रोकली थी, इसको थोड़ा पहले से मैंने गला लिया था, इट वॉज स्टीम एंड आई एम कुकिंग, इट इज़ वेरी ईजी टू यू नो कुक मेक सूप, it's not that difficult or it is very healthy, that's a good part and I'm not not taking too much time and quinoa has many benefits in a beans has been protein, quinoa has protein and healthy, this is healthy food, this is I'm making for dinner and whatever we need everything is in here। नाजरीन ये पूरा मील है और ये पूरा खाने का, खाने के लिए, डिनर के लिए मैं बना रही हूँ। सर्दी का मौसम है इसकी वजह से ये जो है वो सूप और पूरा खाना इससे पेट भर जाता है। इसके अंदर में आप देखें बीन्स भी है, सब्जी भी है और फुल सब्जी आप देख सकते हैं, पूरी पूरी सब्जी इसके अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब कुक कर रही हूँ मैं इसको, तेज़ आँच हमारी है, तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अच्छे से रखे, सेहत के साथ रखे अपने घरों में। मैंने सोया सॉस डाला है, व्यूअर्स आई पुट इट इन सोया सॉस एंड आई एम गोइंग टू पुट चिली सॉस, सो ऑल इंग्रेडिएंट्स आर इनसाइड। नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा आधा हाफ वे जो है मेरा ये कुक हो गया है और मैं धीरे धीरे किनुआ डाल रही हूँ इसमें, बहुत ही ये हेल्दी है। विद इन 15 मिनट्स इंशाल्लाह मेरा जो खाना जो है वो डिनर रेडी हो जाएगा और ये डिनर बहुत ही हेल्दी डिनर है। इसके साथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना चिकन चाहिए, नहीं और कोई और चीज़ चाहिए, पूरी ये चार लोगों के लिए ये खाना है, पांच भी खा सकते हैं, अगर किसी को कम खाना है तो कम खाएं, लेकिन हेल्दी पूरा का पूरा बहुत ही बेहतरीन, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके ऊपर में है क्या आप मिर्चा डालना चाहते हैं और ज़्यादा सॉल्ट डालना चाहते हैं, अगर आप तेल डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन बगैर तेल के ये बहुत मज़ेदार होता है, तेल की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। हाँ, ऑलिव ऑयल का बहुत फ़ायदा है, 70 बीमारियों से महफूज रहता है इंसान, अल्लाह ताला केयर करते हैं, एवरीबडी नोज दैट। वाटर आई एम पुटिंग वाटर अराउंड वन कप एंड इज गोइंग टू ऑलमोस्ट वन कप I am going to let it boil. If you want to put turmeric, you will add a turmeric, but I did not use that because I need a natural color, and turmeric has own benefit, you know, for inflammation. If you want to add, most welcome. I'm going to let it boil and. So quinoa, first is quinoa is a gluten free, high in protein, high fiber, magnesium and vitamin B1, vitamin B
2 vitamin B6 and 3 vitamin E, potassium 9%, iron 15%, of course protein 8 gram has quinoa, and quinoa has a calcium, phosphorus and antioxidant. So these are benefits for quinoa or beans. A bean has protein too, and if you are eating beans and vegetable, you don't need chicken or beef or any kind of meat, because this is a full meal, So Nazreen, maine ye bataya ki quinoa jo hai ye bajra hai, aur bajra jo hai bahut hi acha hota hai, health ke liye bhi hota hai aur yahan pe bahut istemal hota hai. और हम लोग काफ़ी सूप बनाते हैं या ऐसे भी सैलड बनाते हैं इसका, कैनुआ का, तो बहुत ही फायदेमंद होता है. और इसमें देखिए प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, और इसके में मैग्नीशियम है, विटामिन बी है, 6 है, 3 है, 2 बी विटामिन बी 2 है, आयरन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है. और सबसे अच्छी बात है कि जो अथराइटिस वगैरह की है, जोड़ों की दर्द होती है, उसके में भी फायदा होता है इससे, क्योंकि उससे क्योर करता है. तो और आप अगर चाहें तो इसमें आप धनिया पत्ते भी मिला सकते हैं, माने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू ऐड कोरिएंडर लीव्स, इफ़ यू वांट टू ऐड ऑलिव ऑयल और पार्सली, सो यू कैन ऐड इट, अप टू यू. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड मोर सॉल्ट, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड इट, सो अप टू यू. पालक जो है वो पालक का अलग जल्द हजम हो जाता है, गर्मी या प्यास को दूर करता है, पेशाब खोल कर खिलाता है, गर्म बुखार और कब्ज मेरकान में और पेशाब की जलन में मुफीद है, फ़ायदेमंद है ये पालक. और टमाटर, सबको पता है कि टमाटर में जो है वो विटामिन ए और विटामिन सी काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं. बगैर पकाए हुए टमाटर हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिगर के लिए, बदहजमी से और कान से, कब्ज से, रिहाई तकलीफ से मुफीद है, दिमागी कमजोरी को दूर करता है. सो व्यूअर्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्पिनिच. स्पिनिच हैज मेनी बेनिफिट्स, इज वेरी गुड फॉर फॉर डाइजेशन एंड फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर जॉन्डिस एंड मेनी बेनिफिट्स has iron, spinach has so many benefits. Has and tomato, I was talking about tomato. Tomato has vitamin A and C, and is very good for heart. And if you are eating tomato, it is very good for your energy and for jaundice, for constipation. And is many benefits. Allah Subhanahu wa Taala is giving us food and giving us cure too. It's Alhamdulillah, and we are going to use it all the time. We cannot say enough thank you so to Allah Subhanahu wa Taala because of his good food, healthy food, and we are eating. A lot of people don't have food to eat, so may Allah provide them, and may Allah Subhanahu wa Taala give us tawfiq to. Share our food and stuff to them, make them comfortable. Nazreen, Allah ka shukar hai ki Allah Taala ne hame khane ke liye har cheez ata kiya hai, aur Allah ne hame diya hua hai, to hame aage logon ko ki bhi madad karni chahiye, dil khol kar ke madad karni chahiye. Yahi madad jo hai wo hamare kaam aayegi, kyunki jo hum chhod ke jayenge to wo to dusre ka maal ho jayega, lekin jayega kya, jo hum khayenge, khud pehnenge, aur wo jo de kar ke jayenge, apne haath pehle nikal chuke hain, jo de bhijwa chuke hain Allah ki raah pe, to hum koshish karein jo kuch kar rahe hain hame Allah ki raza ke liye karein, aur Allah Taala hum sabko taufeeq ata kare ki hum jo hai apne khane mein se auron ko bhi khilayein, और अल्लाह ताला खिलाने वाले को और बरकत अता करता है. और सब्सक्राइबर, इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई फूड. एंड नाजरीन, अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप ज़रूर चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें. बहुत ही हेल्दी फूड है, अल्लाह ताला आसान करे आप लोगों के लिए.
और सबको खुश रखें, खुश रहिए और इंजॉय कीजिए लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने हर काम में इबादत रखी है अल्लाह ताला ने। मैं भी देखें ये खाना बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए एंड वो लोग हमारा हमारे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त डिनर का वक्त हो गया है। तो अल्लाह ताला इसका अजर दुनिया में भी हमें अता करें और आखिरत में भी अता करें, क्योंकि जब आप किसी के लिए काम करते हैं, किसी को हैप्पी बनाते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो अल्लाह की जो मखलूक है वो अल्लाह का कुंबा है और ये खाना जो है आप अपनी फैमिली को खिला रहे हैं बना करके और आप अपने अपना वक्त लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो इसका अजर अल्लाह ताला ऑफकोर्स अजर तो देंगे ही। अब अजर तो कहीं जाता नहीं है ना इंसान का। और ये देखिए मेरा जो सूप है अल्हम्दुलिल्लाह इज़ रेडी, यू कैन सी एंड almost is done, देख सकते हैं पूरा तैयार है। and if you want to put you know put anything else like any sabzi like cauliflower or different kind of vegetable green peas you can add anything and potato, even you can add potato because I'm not using potato because I have already carbohydrate here like beans and I have quinoa, so you know potato has many benefits but I'm not using today, of course you can see that. So inshallah see you in next week, next video, always I said next week, please remember me in your dua. Thank you so much for watching.